नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ, माय फाइनेंसेस एंड माय एंटरटेनमेंट विच इज़ गेमिंग, रिव्यूज़ एंड बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वाई टू बी पॉजिटिव। ये एक्चुअली सवाल बनता तो नहीं है, बट काफ़ी लोग नेगेटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव रहते हैं। पता नहीं क्या होता है, उनके नेचर में हो सकता है या फिर वो ऐसा कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे जिसकी वजह से वो इतने नेगेटिव माइंडसेट के हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में पॉजिटिव माइंडसेट की बात करने वाले हैं। बहुत जोश में हो तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना। तो देखिए क्या होता है ना, जब कुछ भी होता है हमारे साथ, कोई भी ट्रेजडी हो जाती है या फिर कुछ भी होता है, तो अगर हमारा नेगेटिव माइंडसेट है ना, तो हम उस अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेंगे। वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो बोलते हैं ना कपिल शर्मा शो पे, कि जो ढूंढोगे वही मिलेगा। तो पॉजिटिविटी रखोगे ना वही मिलेगा पॉजिटिव, मतलब ऐसा हो जाएगा कि बुराई में भी अच्छा ढूंढ के निकालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हो ना, तो कुछ भी हो जाए, गलत कितना भी हो जाए, उसमें से अच्छाई निकलेगी ही निकलेगी, उसमें से आपका फ़ायदा आप ढूंढ ही निकालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बहुत कुछ होता रहता है इस वर्ल्ड में, एंड बहुत बार हमारे साथ गलत हो ही जाएगा, इसकी तो गारंटी है ही। तो उस चीज़ में से भी ना अच्छाई ढूंढ के निकालना हमारा काम है। जो हो सकता है एक पॉजिटिव माइंडसेट से, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, ईशा क्रिया कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ईशा क्रिया करते रहो, 5-10 मिनट ही करना है हर एक दिन बस। सुबह उठने के बाद थोड़ा सा कर लो, ब्रश करने से पहले कर लो, या हाँ एक बात है कि खाना खाने के बाद अब ईशा क्रिया मत करो, बिकॉज खाना खाने के बाद अपनी पूरी बॉडी जो है अपना फोकस डालती है अपने पेट पे, तो उस टाइम पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे मत करो, बाकी कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा ना, तब कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा वक्त आ जाए ना, आपको उसमें भी अच्छाई दिखेगी। एग्जाम्पल लें तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करोगे, आप आप रिक्शा से आना जाना नहीं करोगे, मतलब जो भी सिटी ट्रैवलिंग होती है वो आप रिक्शा से नहीं करोगे, आप वो पैदल करोगे, पैदल आओगे जाओगे, आपकी एक्सरसाइज होगी, आपका कार्डियो जिसको बोलते हैं वो आपका होगा, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो उसमें ऐसा एक फ़ायदा निकल के आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं ये करता हूँ रोज, तो ये एक बात है। या फिर कोई भी एग्जांपल ले लो, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की कमी है, तो उसमें से भी आप अपना फ़ायदा ढूंढ के निकाल लोगे। जैसे अब मेरा एग्जांपल लेते हैं, मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ, अब मुझे पता तक नहीं था कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, मतलब ब्रेन पता था कि ब्रेन होता है, ट्यूमर क्या होता है पता नहीं था, तो बाद में पता चला होने के बाद कि इसको गांठ बोलते हैं हिंदी में। तो मतलब ये होता है ना कि अपना ही खून वो वेस्ट मटेरियल जो है जमा करते जा रहा है अपने दिमाग में या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में, और वो बन जाता है ट्यूमर, एंड वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, उसमें टीबी भी जा सकता है, उसमें कैंसर भी जा सकता है, बहुत डेंजरस होता है। एंड ब्रेन ट्यूमर का जब ऑपरेशन हुआ मेरा, उसके बाद तकलीफ तो थोड़ी हुई फिजिकली, बिकॉज दर्द होता था, हर एक दिन इंजेक्शन लगते थे, तो वो तो तकलीफ हुई, बट उसके बाद जो ज़िंदगी बदली है ना, वो मैं बता नहीं सकता शब्दों में, सच्ची बोल रहा हूँ। बिकॉज जब ब्रेन ट्यूमर था मेरे ब्रेन में, तब मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड रहता था, इतना क्लियर नहीं था, एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी अचानक से मुझे याद नहीं आएंगी सारी चीज़ें, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं नोटिस करता था। तो अब वो सारी चीज़ें चली गई, बिकॉज वो ट्यूमर निकल गया दिमाग से नहीं, मतलब ब्रेन से निकल गया, मतलब एक ही बात हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए बोलते हैं ना, जो भी होता है होने दो, देख लेंगे जो भी होता है। एक ऐसा मोटिवेशन रखो कि जो होना है होने दो, हम देख लेंगे,
एंड नेगेटिव माइंडसेट से नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट से, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट को भी बदल सकता है। तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना है। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, 300 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।